दिल्ली मेट्रो की पिंक, ग्रीन और वॉयलेट लाइन के हजारों यात्री बृहस्पतिवार सुबह परेशान रहे। तकनीकी खामियों के चलते इन तीनों रूटों पर दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें बेहद धीमी गति से चल रही हैं। इससे हजारों यात्री परेशान हैं। तो वहीं इस बीच DMRC ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि मेट्रो सेवाएं अब सामान्य रूप से चल रही हैं, अब सेवाओं में कोई विलंब नहीं है। हालांकि किसी और असुविधा से बचने के लिए सिस्टम अभी भी निगरानी में है। बावजूद इसके लोगों की परेशानी धीरे धीरे खत्म होगी और इसमें कुछ समय लगेगा। ग्रीन, पिंक और वॉयलेट लाइन में आई खराबी के चलते ट्रेनों के धीरे चलने का असर यह हुआ कि ज्यादातर लोग अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाए और कई तो मेट्रो ट्रेनों में ही फंसे रह गए। इससे पहले DMRC ने बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे के आसपास ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि दिल्ली मेट्रो की पिंक, वॉयलेट और ग्रीन लाइन पर मेट्रो देरी से चल रही है। इसके साथ ही मेट्रो को यह भी सलाह दी गई है कि इस परेशानी के चलते यात्री अतिरिक्त समय लेकर मेट्रो का सफ़र करें। पीक आर में आई इस समस्या के कारण ग्रीन, पिंक और वॉयलेट लाइन पर आई समस्या का सीधा असर ब्लू, मेजेंटा व अन्य लाइनों पर भी देखने को मिला। यहां पर भी स्टेशनों पर भीड़ जमा हो गई। DMRC प्रवक्ता का यह कहना है कि बृहस्पतिवार सुबह ग्रीन, पिंक और वॉयलेट लाइन पर सिग्नल सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके कारण मेट्रो ट्रेनों की गति धीमी हो गई। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।